तो कितनी कुरकुरी बनी है भिंडी आप देख के इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कुरकुरे भिंडी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस कुरकुरी भिंडी की रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने 250 ग्राम के आसपास भिंडी लिया है। ये लगभग 10 से 12 भिंडी हैं और ये अपने खेतों से लाया हमने। तो इस प्रकार से हम भिंडी को काटेंगे, इसके डंठल को और पीछे वाले भाग को, और उसे फिर बीच से इस प्रकार से काटेंगे। और उसके बाद फिर इसमें कटे हुए भाग को चार भागों में काटेंगे इस प्रकार से। अब हमें इसके सारे बीज को निकालना है। तो इस प्रकार से फिर हमने कट किया और इस प्रकार से इसके बीज को निकालेंगे। तो ये देखिए, तो इसी प्रकार से आप बिल्कुल इजी तरीके से इसके बीज को निकाल सकते हैं और उसके बाद फिर इसे कट करेंगे। अब एक भिंडी के 8 टुकड़े करेंगे इस प्रकार से कुछ। तो ये देखिए, हमें इस प्रकार से भिंडी को प्राप्त करना है बिल्कुल इसके बीज को निकाल के। तो इसी प्रकार से हमने सारे भिंडी के बीज को निकाला है। और एक दूसरा तरकीब भी है इसके बीज को निकालने का, तो वो ये है कि हम भिंडी को दोनों तरफ से इसी प्रकार से काट लेंगे। उसके बाद फिर हम बीच से इसे चीरा लगा देंगे और उसके बाद उंगलियों के सहारे, ये देखिए, बीच से चार भागों में इसे काट के उंगलियों के सहारे इस प्रकार से हम इसके बीज को बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल लेंगे। चाकू से ये ज़्यादा आसान होता है। तो ये देखिए, बिल्कुल उंगलियों के सहारे बहुत फास्ट आप निकाल सकते हैं इसे, कितना बढ़िया और बेहतरीन निकल रहा है ये। तो फाइनली हमने सारे भिंडी को इस प्रकार से कट करके निकाल लिया है। और भिंडी को हमने पहले ही ऑलरेडी धो के उसके बाद काटा था, बाद में गीली हो जाती है। तो हम एक बॉल लेंगे, उसमें सारे भिंडी को हम डालेंगे इस प्रकार से कटे हुए भिंडी को। उसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और फिर यहाँ पे हमने जलजीरा लिया है लगभग आधी चम्मच। आप चाहे तो आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसी चम्मच से 2 चम्मच हमने बेसन लिया है और 1.5 चम्मच के आसपास चावल का आटा। आप चावल का आटे की जगह पर अरारोट भी ले सकते हैं, लेकिन घर में इजी वे में जो मिल जाता है तो हमने उसी से काम किया है। तो इन सारे को डाल के हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। नमक अभी नहीं देंगे, बाद में हम डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से इसमें पानी छोड़ देता है। तो इसी प्रकार से हाथों से मिला के उसके बाद हम लास्ट में नमक ऐड करेंगे जब फ्राई करेंगे तब। तो इसी प्रकार से हमने लास्ट में बिल्कुल नमक ऐड किया है। देखिए नमक डालने के बाद किस तरह से ये मॉइस्चराइज हो गया है, ये बिल्कुल गीली गीली टाइप में हो गई है ना, तो इसीलिए लास्ट में हम नमक ऐड करते हैं। तो ये देखिए, इसका मसाला का कोटिंग आप देख सकते हैं किस प्रकार से कितना बढ़िया हुआ है, आपको देखने से अंदाज़ा लग गया होगा। इसी प्रकार से कुछ कोटिंग करना है इसके मसाले को। तो हम एक फ्राई पैन लेंगे, आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा तेल में भी बिल्कुल तल के। तो हमने थोड़ी कम तेल ही रख के इसे फ्राई किया है। तो हम चेक कर लेंगे तेल को गर्म है कि नहीं। तो बिल्कुल गर्म तेल में इसे डाल के ये देखिए कितना बढ़िया ये मसाला भी हमारा कोट हुआ है ना। तो इसे डालने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे चलाएंगे। तो आप तेल जो इसमें डालेंगे फ्रेंड्स, वो तेल को फिर आप छाँक के निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके जो बेसन और चावल के मसाले, इसमें जो कोटिंग है थोड़ी बहुत ही निकलती है। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा सुनहरा हो रहा है, कितना बढ़िया क्रंचीनेस भी आ रहा है इसमें, देखने से आपको लग रहा होगा। तो इसी प्रकार से हम लगातार इसे चलाते रहेंगे, अब फ्लेम को थोड़ी सी कम कर देंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारा बन के तैयार है कुरकुरी भिंडी। तो हम इसे निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, इसका क्रिस्पीनेस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये देखिए, हम इसे सर्विंग प्लेट पर निकाल लेंगे, कितनी बढ़िया ये खिली खिली बनी है। तो आप भी इस कुरकुरी भिंडी की रेसिपी को फ्रेंड्स अपने घर पे ज़रूर बनाएं। ये देखिए कितनी कुरकुरी बनी है। तो वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।
फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।